हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, टैरो विद शिवी 888। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डियर कि आप मेरी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जा रहा है, डेस्टिनी आपकी कहाँ बुला रही है आपको। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी मेरे व्यूअर्स को कहां बुला रही है, प्लीज गाइड मी। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको नेगेटिविटी से बहुत दूर लेकर जा रही है, ठीक है। एक ऐसी दुनिया में आपको लेकर जा रही है जहां पर आप बिल्कुल अटैचमेंट से हट जाएंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। आपका जो टूटा हुआ दिल है उसको आप हील कर रहे हो। बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं क्लियर क्लियर कि आपको एक नई दुनिया में ले जाने का काम परमात्मा कर रहा है इस वक्त में, ठीक है। एक एक दुनिया से निकालकर दूसरी दुनिया में, इसका मतलब क्या है, मतलब एक पूरी लाइफ जो आपने निकाली, डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट तरीका, डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, मतलब एक आपने अभी तक जो चीज़ें देखी थी और अब जो आप चीज़ें देखेंगे उनमें बहुत अंतर होगा। मतलब जैसे लोगों से आप अभी तक मिले हैं, जैसे लोगों के साथ अभी तक रहे हैं, उससे डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जहां पर लोग अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं, अपनी पावर में रहते हैं, लोग अपने आप में रहते हैं, लोग सेल्फ लव में रहते हैं, ऐसी कम्युनिटी जहां पर आप रहना डिजर्व करते हैं, जहां पर आपकी एनर्जीज आपका वाइब्रेशन मैच करता है। अभी तक आप पता है कैसे लोगों के बीच में रहे हैं जिन्होंने आपका कभी अच्छा चाहा ही नहीं, एनवी और डिसीट कार्ड है, ऐसे लोग के साथ आप रहे हैं, इनके साथ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये आपके सोल सोल से ही, मतलब सोल कनेक्शन ही बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसे कनेक्शन जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कोई कर्मा था, इस वजह से ही आपके साथ जेलसी रखते थे, आपके साथ चीजें इन्होंने अच्छी नहीं की, इन सबके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को परमात्मा आपकी लाइफ से रिलीज करते जा रहे हैं एक एक करके, ठीक है। आपका लोगों ने दिल तोड़ा, ठीक है, और फिर भी आपने पेशेंस बनाया था, जैसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस आपने बनाया है और पेशेंस आप और बनाइए, बिकॉज आपकी अल्टीमेट हीलिंग करेंगे परमात्मा इस लाइफ टाइम में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है। पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के दरवाजे आपके लिए इस लाइफ टाइम में खुल गए हैं, ताकि आपकी सोल पुराने पास्ट लाइफ से सारे घाव से, पुराने सारे ट्रॉमा से, सारे वुंड्स से रिलीज हो सके इस लाइफ में। आप अपनी जर्नी में इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सकें जो आप कई कई जन्मों से अपने साथ लिए घूम रहे हैं, वो सारे दर्द, वो सारे ट्रॉमास। तो इस लाइफ टाइम में आपकी प्रॉपर हीलिंग होनी है, और ये हीलिंग कराने के लिए आपके परमात्मा आपके साथ में है, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में कई कई समय पर आते हैं जो आपको चोट देते हैं, उनके साथ आपका कर्मा रिलीज होता है, आपकी सोल की ग्रोथ होती है। लेकिन गाइज ये लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी अटैचमेंट्स को रिलीज करके वो आपको एक नई दुनिया में डालना चाहते हैं, एक डिफरेंट
लाइफस्टाइल आपका, एक डिफरेंट जीने का तरीका। जैसे अभी तक आप जीते थे तो आपका ना कोई रूटीन था, ना कोई डिसिप्लिन था, ना ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर चीजें थी। जस्ट अब एक भेड़ बकरियों की तरह आप जिंदगी को जी रहे थे कि सुबह से उठ के सब करते हैं जो वो मुझे करना है। एक लाइफस्टाइल होता है ये वाला, एक लाइफस्टाइल होता है इससे बिल्कुल डिफरेंट। एक लाइफस्टाइल ऐसा होता है जहां पर आप शांति में रह रहे हैं, पीस में रह रहे हैं, जहां पर आपका प्रॉपर रूटीन है, आपका डिसिप्लिन है, जहां पर आप बहुत अच्छी बुक्स को पढ़ते हैं, जहां पर आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब लगते हैं कि हाँ ये इंसान है, ठीक है, जहां पर कोई छल छलावा टाइप्स नहीं है, ठीक है। मतलब आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि स्पिरिचुअल लोगों को पीस की लाइफ बड़ी पसंद आती है, शांति हो जहां पर, जहां पर ऐसी जगह है जहां पर नेचर की सारी चीजें अवेलेबल हो, ठीक है, नेचुरल चीजें हो, झरने हो, ठीक है, बीच हो, मतलब शांति जहाँ पर ज्यादा हो, ठीक है, गार्डन हो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हो जहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जहाँ पर फुल ऑन पीस महसूस होता हो, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, जहाँ पर आप प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, प्रॉपर योगा करते हैं, प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल है जहाँ पर आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर आपका डाइट प्लान है, ठीक है, आपका पढ़ने का तरीका है, आप फालतू की गॉसिपिंग नहीं करते हैं, आप अपना टाइम अननेसेसरी सोशल मीडिया पर बर्बाद नहीं करते हैं, आप अननेसेसरी मूवीज नहीं देखते हैं, आप नॉलेजेबल चीज़ों को देखते हैं, आप रिसर्च में लगते हैं, आप चीज़ों की खोज करते हैं। एक ये लाइफ स्टाइल होता है, एक ये लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है। हर व्यक्ति का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। एक लाइफ स्टाइल ये होता है जहाँ पर लोग क्लब जाते हैं, ठीक है, एंड अलग तरीके से जिंदगी को जीते हैं। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है जहाँ पर इंसान सुबह उठता है, मेडिटेशन करता है, चैंटिंग्स करता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफस्टाइल्स हैं यहाँ पर। तो आप एक ऐसी दुनिया में अभी तक रहे हो जहाँ पर आपने डिसीट टाइप्स लोगों को, बिल्कुल जैसे धोखेबाज लोगों को एक्सपीरियंस किया है, जेलसी लोग आपसे रखते थे, आपके फाइनेंसेस अगर अच्छे हैं तो लोगों को उससे प्रॉब्लम थी, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी नेगेटिविटी में रहे हो, उन्हीं चीज़ों का शिकार होते रहे। अल्टीमेट हीलिंग के बाद यूनिवर्स आपको एक ऐसी कम्युनिटी में डालना चाहते हैं जहाँ पर आप अच्छे लोगों के बीच में रहें, कि आप अच्छा सीखें, ठीक है। हमारा कहते हैं ना कि एक एक तालाब जो है जिसमें एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, उसी तरीके से ना आप एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर जैसे 5 लोग हैं आपकी कम्युनिटी में, 5 लोग आपकी ग्रुप में हैं, तो 5 लोग में 4 अगर बहुत ही ज्यादा बेकार हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा बेकार बनते हुए, ठीक है। संगत का असर बहुत गहरा होता है। और 5 लोग हैं उसमें से 4 लोग हैं बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं, ठीक है, आप उनकी तरफ बनने की कोशिश करोगे, आप उनको फॉलो करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आप जिसके साथ रहते हो, जैसी संगत में रहते हो, वैसे बन बन जाते हो आप। तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में परमात्मा डालना चाहते हैं, एंड आई थिंक आपकी पूरी जिंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसे होता है ना कि कई बार परमात्मा आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो उसके पहले वो आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे देते हैं, तकलीफ दे देते हैं, ताकि उस तकलीफ में बहुत सारी चीजों को सीख लें, लर्न कर लें, अपने आप को बदल लें, ताकि जब नई लाइफ स्टाइल आपको मिले, एक नया जीवन आपको मिले, एक नई जिंदगी आपको मिले, तो उसके साथ ना एडजस्ट कर पाए आप, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पर जंप नहीं की जा सकती, ठीक है। एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पर जाओगे तो आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे, तो बीच में एक ब्रेक आता है जिसे हम कहते हैं टावर मोमेंट। तो वो चीज यहाँ पर फिलहाल चल रही है, लेकिन आने वाले समय में आप खुद थैंक्स बोलने वाले हैं यूनिवर्स को कि उन्होंने आपके सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज करा दिया, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको दूर ले गए जो जेलसी रखते थे, एंड आप अपनी पावर में जिंदगी को जिएंगे विथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, और आप वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है काफी ज्यादा पीस में जो रहते हैं, फिर वो दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, ऐसी जगहों पर जाएंगे, रहस्यमय मंदिरों में जाएंगे, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाएंगे और बढ़िया रिसर्च करते हैं। तो वो एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। तो हमको ये देखना होता है कि हम किस तरह की जिंदगी पसंद कर रहे हैं, हमको क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। परमात्मा की प्लानिंग हमेशा आपकी प्लानिंग से बेटर होती है, ठीक है। सो मुझे ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब हम और देखते हैं कि और यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं।
यहाँ पर मुझे ये चीज नजर आ रही है गाइस कि आपको यूनिवर्स मैच्योर बना रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप काफी मैच्योरिटी के साथ चीजों को डील करेंगे, और यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि आपका भाग्य आपको एक खुले आसमान की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। आप एक कैद पंछी नहीं है, आप एक यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी बर्ड्स हैं, एंजल्स हैं ये आपके, जो आपको यहाँ पर इस बर्ड को इस केज से बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एंजल्स स्पिरिट गाइड की टीम जो है आपको यहाँ से बाहर ले जाना चाहती है, आपको उड़ खुला आसमान देना चाहती है कि आप उड़ सकें, आप आजाद जिंदगी जी सकें। यहाँ पर कार्ड है अबंडेंस का, आपकी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं यूनिवर्स। कैसी अबंडेंस, जहां पर आप पीस में रहें, खुश रहें, शांति में रहें, ऐसे जेलस लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करते, ठीक है। और आपको वो दुख से निकालना चाहते हैं, क्योंकि दुख ने आपको बहुत कमजोर बना दिया, दुख ने आपको ये सिखा दिया है कि इंसान अच्छे इंसानों का तो बुरा ही होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो इंसान को तकलीफ जब आती है ना, और बहुत दुख जब वो झेल लेता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए कंडीशनिंग का कार्ड है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनलिटी से मिलवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप एक्चुअल में क्या हैं, आपको सिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी पावर्स हैं, आपको जगाना चाहते हैं वो, ठीक है। जैसे शेर होता है ना, वो जंगल का राजा क्यों है, क्योंकि वो अपने आप को शेर मानता है, ठीक है। किसने मतलब किसने उसको ऐसा कह दिया था कि वो जंगल का राजा है, ठीक है। उसने अपने आप को जंगल का राजा माना, तो जब उसने अपने आप को जंगल का राजा बोला तो दुनिया ने उसको जंगल का राजा मान लिया, यानी कि जितने भी वहां पर एनिमल्स थे उन सब ने उसे स्वीकार कर लिया जंगल का राजा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जंगल का राजा उसने अपने आप को माना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने आप को क्या मानते हैं, जब आप अपने आपको जो मानते हैं वही दुनिया भी आपको मानने लगती है। जैसे आप कहेंगे कि मैं किंग हूं, ठीक है, मैं तो किंग हूं, मैं तो किंग वाली जिंदगी जीऊंगा, मैं तो किंग वाली जिंदगी जीता हूं। जब आप उस तरह की एनर्जी, उस तरीके का वाइब्रेशन, उस तरीके का ऑरा क्रिएट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी बातों को सुन रहा होता है, पूरा ब्रह्मांड आपकी बातों को सुन रहा होता है। तो वो कहता है यार ये बंदा अपने आप को किंग बोलता है, तो इसकी लाइफ में किंग जैसी चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी ऐसा लाइफस्टाइल इसकी लाइफ में क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको राजा का अनुभव कराता हो, जैसे किंग वाली फीलिंग देता हो। सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कर्मा कैसे हैं, अच्छे या बुरे, वो तो इस पर फंक्शन करता है कि आप उसको कौन से मैसेजेस डिलीवर करते हैं। अगर आप उससे ये कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी जीना है मेरे को, मैं तो बहुत अच्छी जिंदगी जीता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास लग्जरी गाड़ीज हैं, सॉरी मैं लग्जरी गाड़ीज बोल रही हूँ, मेरे पास लग्जरी कार्स हैं, ठीक है, मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ठीक है, एक मतलब पर बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। अगर आप इस तरीके के मैसेजेस देंगे उसको, इसी तरीके की चीजों को क्रिएट करेगा। अगर आप ये कहेंगे मेरी जिंदगी बर्बाद है, मुझे कोई खुशी नहीं मिली, मुझे कभी खुशी मिलनी ही नहीं है, सब कुछ ऐसा ही रहा है हमेशा और ऐसे ही चलेगा, भगवान तो होते ही नहीं है, जिंदगी तो ऐसे नेगेटिविटी को आप क्रिएट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा ओके तो इसको यही सारी चीजें चाहिए, तो वो आपके लिए वही चीजें क्रिएट करेगा और ऐसी सिचुएशंस बनाएगा जहां पर आपको बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होने वाला है कि सब कुछ बहुत खराब है, बहुत बेकार है, ठीक है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेजेस देते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जंगल का राजा शेर है, क्योंकि वो अपने आप को शेर मानता है, वो अपने आप को जंगल का राजा मानता है, इसीलिए वो जंगल का राजा है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं वहां पर वो आपको ये बता रहे हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, एंड आप बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं। अपने आप को ना कमजोर मानना बंद कर दीजिए, एंड रिसेप्टिविटी आपको अल्टीमेट लव से मिलवाने वाले हैं, ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जिसे हम कहते हैं परमात्मा का प्रेम, उससे आप यहाँ मिलने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं हो सकता है अभी अकेले हैं, एंड आप सबकी लाइफ को देखते हैं कि कितनी हैपनिंग है, और आप रिसेप्टिव मोड पर भी नहीं है, यानी चीजों को रिसीव नहीं करते, अब आप बहुत बंद बंद से हो गए हैं। तो यूनिवर्स आपको वापस उस जगह पर लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर बहुत लव की ऊर्जा है, तो आपको वो रिसीविंग मोड पर लेकर आना चाहते हैं, जब वो ब्लेसिंग्स दें तो आप उनको एंजॉय कर सकें, ठीक है। अभी फिलहाल आपकी लाइफ में भले ही खलल मची हुई है, बट यकीन करिए ये जो टाइम है ना ये निकल जाएगा, बिकॉज ये परमानेंट नहीं है। जब भी यूनिवर्स आपके हाथ से एक चीज उठाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके हाथ खाली कर रहा है कुछ नया देने के लिए, ठीक है। तो हमेशा रेडी रहे कुछ रिसीव करने के लिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को रेडी रखें, वाइब्रेशन को हाई रखें, ठीक है। लो वाइब में परमात्मा से ना मांगे, आप देखिएगा कि जो जितना ज्यादा मांगता है ना उसको उतनी ही देरी से मिलता है, ठीक है। और जो जितना ज्यादा प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, उसको ईश्वर को मजबूरन जल्दी देना पड़ता है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन मैच कर गई उस ब्लेसिंग से, उस चीज से, उस एनर्जी से, कि उसको वो अब उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने का समय तुरंत आ गया। मतलब टाइमलाइन जंप करना बेसिकली, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई चीज 2 या 3 साल के बाद मिलनी है, लेकिन आप अगर उसके लिए मेहनत बहुत जल्दी करते हैं, आप उसकी वाइब्रेशन तक तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो आप उसको जल्दी भी लेकर आ सकते हैं। इसको हम कहते हैं टाइमलाइन जंप करना। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी बस,
और अगर आपको कोई चीज 3 साल बाद मिलनी है ना, तो आपकी सोच ऐसी बनाई जाएगी कि अरे वो तो आपको 3 ही साल बाद ही मिलेगी, ठीक है, या फिर आपकी सोच में नेगेटिविटी डाली जाएगी, कुछ तो है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं रुके, उसके बाद भी अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अपनी वाइब को हाई रखा, तो आप वो चीजें पा सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ आप पा सकते हैं। तो लाइफ और यहाँ पर आप गाइडेंस को फॉलो तो लगातार कर ही रहे हैं, जो भी यूनिवर्स की आ रही है। ऐसे ये है गाइज, इस वक्त में आपकी किस्मत आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, एंड बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग है। अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।